हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज आपसे रेलवे गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटि एनटीपीसी के स्नातक स्तरीय परीक्षा के 12/4/2016 के शिफ्ट 2 एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एनटीपीसी के प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन है। 2016 के क्वेश्चन है दोस्तों मैं आपके लिए 16 वीडियो आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस को डाल चुका हूँ, जो कि आप इस वीडियो पर देख सकते हैं। ये आपका 17वां वीडियो है दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने करंट हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करंट हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको प्रीवियस के आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चन मिल सके और आने वाले एग्जाम की सभी अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलती है दोस्तों, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये 17वां वीडियो का आपका पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह और ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों, इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे ज़्यादा बार लाल किले पर झंडा फहराया है, ऑप्शन बी है दोस्तों। अगला दोस्तों, बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी महिला ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे माना जाता है? दोस्तों, ऑप्शन है जोहरा सहगल, ऑप्शन बी नरगिस, ऑप्शन सी सुरैया और ऑप्शन डी मधुबाला। दोस्तों, इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, जोहरा सहगल को ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है, जोहरा सहगल को। अगला दोस्तों, सबसे ऊष्म ग्रह कौन सा है, अर्थात दोस्तों सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों, इसका आंसर आपका ऑप्शन बी वीनस, जिसे आप शुक्र कहते हैं, ये सबसे गर्म ग्रह है। अगला दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी जमशेद जी टाटा के साथ मिलकर सन 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी, उस दुकान का नाम क्या था? दोस्तों, इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन डी है दोस्तों, बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। अगला दोस्तों, भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र के वर्तमान निदेशक कौन है? दोस्तों, ये 2016 के एग्जाम के क्वेश्चन है दोस्तों, इसके करंट इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते थे। दोस्तों, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए, KN व्यास। भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र के वर्तमान क्या थे दोस्तों, उसमें KN व्यास। अगला दोस्तों, सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुई? दोस्तों, ये बगावत थी तो ये सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुई? दोस्तों, इसका आंसर आपका ऑप्शन डी, मेरठ से। अगला दोस्तों, विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, ये एनटीपीसी के प्रीवियस के क्वेश्चन आना है। दोस्तों, किसी भी एग्जाम में जाने से पहले आपको प्रीवियस क्वेश्चन लगाना बेहद जरूरी होता है, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लगातार ला रहा हूँ। दोस्तों, ये लगातार आपके लिए सीरीज है, आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखें और प्रीवियस के और क्वेश्चन देखने के लिए आप चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर जरूर देख लें। दोस्तों, विख्यात पूर्व मंदिर बुद्ध मंदिर आपका कहाँ है? दोस्तों, इसका आंसर आपका ऑप्शन सी, इंडोनेशिया में। ये इसका आंसर दोस्तों इंडोनेशिया में है। अगला दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो एकमात्र महिला शासक कौन थी दोस्तों? तो ऑप्शन है चांद बीवी, ऑप्शन बी नूरजहां, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान और ऑप्शन डी मुमताज महल। दोस्तों, इसका आंसर आपका ऑप्शन सी, रजिया सुल्तान एकमात्र महिला शासक थी। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एक जरूर करें, जिससे अगला वीडियो बनाने में उसको प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, प्लीज़ लाइक जरूर करें। अगला दोस्तों, किस वंश के मौर्य वंश की जगह ली थी? दोस्तों, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? दोस्तों, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए, शुंग वंश, शुंग ने। अगला दोस्तों, गोल्डन रॉक पगोडा किस देश में है? दोस्तों, ये गोल्डन रॉक पगोडा आपसे पूछ रहे किस देश में है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी म्यांमार और ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी दोस्तों चाइना। दोस्तों, इसका आंसर आपका ऑप्शन बी, म्यांमार में, गोल्डन रॉक पगोडा आपका म्यांमार में है। अगला दोस्तों, पीडीएफ का विस्तार, मतलब दोस्तों पीडीएफ का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहे हैं। दोस्तों, पीडीएफ का फुल फॉर्म से चार ऑप्शन दिए हैं, तो आपका आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का फुल फॉर्म है आपका दोस्तों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला दोस्तों, हीरा निम्नलिखित का सख्त रूप है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी मरकरी और ऑप्शन डी कार्बन। दोस्तों, इसका आंसर आपका ऑप्शन डी, कार्बन। हीरा आपका कार्बन सख्त रूप है, हीरा। अगला दोस्तों, तरल अर्थात लिक्विड कागज क्या है? दोस्तों, ऑप्शन इसके दिए, ऑप्शन ए कागज को गीला नहीं होता है, कागज जो तरल पदार्थ में बदल जाता है, ऑप्शन सी है शीघ्र सूखने वाला कागज के रंग का तरल पदार्थ जिसे मुद्रित का सामग्री को सही करने के लिए लगाया जाता है, और ऑप्शन डी कागज जो कभी सूखता नहीं है। दोस्तों, इसका आंसर आपका ऑप्शन सी है दोस्तों इसका।
अगला दोस्तों, ऊँटों द्वारा की जाने वाली आवाज़ को क्या कहते हैं? दोस्तों ये जो ऊँट आवाज़ निकालते हैं वो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए भूकना, ऑप्शन बी गुरगुराहट, ऑप्शन सी मिमियाना और ऑप्शन डी बड़बड़ाना। दोस्तों इसका आंसर आपका ऑप्शन बी गुरगुराहट, ऊँटों द्वारा गुरगुराहट की जाती है। अगला दोस्तों, टू किल ए मकिंग, टू किल ए मकिंग बर्ड के लेखक कौन है दोस्तों? तो टू किल मकिंग बर्ड के लेखक कौन है दोस्तों? ऑप्शन डी है दोस्तों इसका आंसर, हार्पर ली। हार्पर ली इसके राइटर हैं। दोस्तों बुक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं कि राइटर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये भी पढ़ना जरूरी है। अगला क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन नहीं है? दोस्तों इसके चार ऑप्शन दिए, आपसे पूछना कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी तेल, ऑप्शन सी पीट और ऑप्शन डी बिजली। दोस्तों इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिजली, जो आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है और सभी जीवाश्म ईंधन हैं। अगला दोस्तों, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी थर्मामीटर और ऑप्शन डी मल्टीमीटर। दोस्तों इसका आंसर आपका ऑप्शन बी बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। अगला दोस्तों, एपीजीआर, ये आपका एक स्केल है, ये किसके लिए यूज किया जाता है दोस्तों? दोस्तों इसका आंसर आपका ऑप्शन सी, एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने के लिए इस स्केल का आप यूज करते हैं, एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति को निश्चित करने के लिए। अगला दोस्तों, काला सोना क्या होता है? दोस्तों काला सोना किसे कहते हैं? दोस्तों इसका आंसर आपका ऑप्शन सी कोयला, कोयला को काला सोना भी कहा जाता है। अगला दोस्तों, दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई हैं? दोस्तों ऑप्शन ए तैराकी, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी जिम्नास्टिक्स और ऑप्शन डी एथलेटिक्स। तो दोस्तों इसका आंसर आपका ऑप्शन बी जिम्नास्टिक्स, ये आपकी जिम्नास्टिक्स से दीपा कर्माकर जी जुड़ी हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला दोस्तों, जल विद्युत क्या परिवर्तित करता है? जो जल विद्युत होता है दोस्तों ये क्या परिवर्तित करता है? दोस्तों इसका आंसर आपका ऑप्शन ए, ये आपका काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, गतिज ऊर्जा से दोस्तों विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है जल विद्युत। अगला दोस्तों, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मार्च, ऑप्शन बी 8 अप्रैल, ऑप्शन सी 18 अप्रैल और ऑप्शन डी 25 मई। दोस्तों इसका आंसर आपका ऑप्शन सी 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस कहा जाता है, जिसे दोस्तों विश्व हेरिटेज डे भी कहते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज डे। अगला दोस्तों, सबसे जहरीली मछली कौन सी है? ऑप्शन ए पफर मछली, ऑप्शन बी पार्कुपाइन मछली, ऑप्शन सी पिराहांस और ऑप्शन डी एलंगर मछली। दोस्तों इसका आंसर आपका ऑप्शन ए पफर मछली को सबसे जहरीली मछली कहा जाता है। अगला दोस्तों, जींस के निर्माण और विपणन का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों किसे दिया जाता है जींस के निर्माण और विपणन का? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए लेवी स्ट्रास को, लेवी स्ट्रास को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो माई डियर फ्रेंड्स। वीडियो